तो ध्यान से देखो कि जो ए है वो बी के साथ रिपल करेगा फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज रिपल्सिव व्हाई बिकॉज बोथ हैव द पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा इट इज एफ ए बी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा तो उसी लाइन पे जाएगा तो ये हो गया इन दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल ट्राइंगल यहां पे 60 बनता है तो ये हो जाएगा आपका टोटल 120 ओके okay. सेम बी में बी रिपल होगा एफ बी ए सिमिलरली एफ बी सी एफ ए सी अब किसी एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं चलो ये।, ये आ गया हेड और टेल कंबाइन हो गया और ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सिमिलरली यहां पे मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर एफ बी तो हमारे लिए ए और बी के लिए फॉर्मूला और मेथड कॉमन होगी ट्राइंगल इक्वलटर है सब साइड की वैल्यू एल रखो या तो आर व्हाट एवर यू लाइक ठीक है सी बाय मैग्नीट्यूड एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए सी विच इज इक्वल्स टू एफ ओके नाउ फोर्स ऑन एफ ए इज़ अ सम ऑफ एफ ए बी प्लस एफ ए सी Now squaring F square is equals to F square plus F square plus 2 times F square cos 120 F square plus F square 2 F square 2 F square cos 120 minus half 2 to cancel 2f square minus f square is equals to f square. Therefore, FA is equals to f and f is equals to 1 of 1 4 pi epsilon 0, 1 of 1 4 pi epsilon 0 q into q q square by L square. Number 1. बी के लिए भी आपको सेम ही करना है बी के लिए कोई अलग सिस्टम नहीं है सिमिलरली फॉर बी देर फॉर एफ बी इज इक्वल्स टू एफ बट आपको सी के लिए थोड़ा ध्यान से समझना है क्यों क्योंकि वहां पे एंगल चेंज हो जाता है ए और सी के बीच में अट्रैक्शन का रूल है बी और सी के बीच में बी अट्रैक्शन है और यहां से अगर हेड और टेल कंबाइन करने जाए तो ये ऐसे खींचेंगे हम ये ठीक है और हमारा फोर्स कुछ ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है बट ये जो है वहां पे ए और बी में जो एंगल था वो एक्सटर्नल था यहाँ पे इंटरनल है जो कि हमें कितना मिलने वाला है सिक्सटी डिग्री कितना मिलने वाला है सिक्सटी डिग्री So, similarly for Fc is a sum of FcA plus FcB squaring Fc square is equals to F square plus F square plus 2F square cos 60 एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस सिक्सटी इज अफ टू टू कैंसल थ्री एफ स्क्वेर एफ सी इज इक्वल्स टू रूट थ्री एफ तो ये हो गया तीनों चार्जेस पे कितना फोर्स लगता है रूट थ्री इंटू वन ऑफ वन फोर पाई एफ सीलोन नॉट Q square by L square Okay